पहले इसकी शुरुआत की थी। आप लोग को दलित विरोधी तेजस्वी यादव ने लगाया, आप लोग लाठी चार्ज करवाते हैं दलित से। भाई जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने दलितों के हितों के संरक्षण के लिए तमाम फैसले लिए, भले वो क्रीमी लेयर को हटाने के प्रावधान की बात हो, जिस तरीके से माननीय न्यायालय के द्वारा ये ऑब्जर्वेशंस उनकी टिप्पणी में की गई थी, या फिर जिस तरीके से लेटरल एंट्री जिसको लेकर कई लोगों ने, विपक्ष के साथ हम लोगों ने भी आपत्ति दर्ज की थी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्पण है, उनका कमिटमेंट है सामाजिक न्याय के प्रति, समाज के उस वर्ग के प्रति जो आज भी हाशिए पर है। और यही कारण रहा कि उन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट को रद्द करने का काम किया। ये समर्पण दिखाता है मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारी केंद्र की सरकार का, समाज के हर उस वर्ग के प्रति जो आज भी मुख्य धारा के साथ संभवतः नहीं जुड़ पाया है, भले वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो या पिछड़ा वर्ग हो। विपक्ष जब एक उंगली सामने की तरफ उठाता है तो बाकी उंगलियां जब उनकी तरफ उठती है, उन्हें अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। लेटरल एंट्री की शुरुआत किसने की थी, ये परंपरा की ही शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अगर आपको इतनी ही चिंता थी इन एंट्रीज को लेकर, तो सबसे पहले आपको अपनी सरकारों पर उंगली उठानी चाहिए जिन्होंने दशकों पहले इसकी शुरुआत